सब्जी या हरा धनिया देख के ना मेरा लालच आ जाता है। तो आज छोरा देखो मेरे पास। कल मैं वॉक कर रही थी इवनिंग वॉक, तो मुझे ये कैक्टस मिले तो मैं ले आई, तो मैं इसको लगा लेती हूँ। देखिए कितने सुंदर है। मेरे पास ये एक पॉट था मेरा खाली, देखिए खाली भी नहीं कहेंगे, इसमें ये मैंने बेल लगा रखी थी, तो ये बेल कोई बात नहीं, बेल भी लगी रहने देते हैं। और ये कैक्टस भी इसमें लगा देते हैं, एक इस तरफ लगा देते हैं और एक इस तरफ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये बहुत सुंदर कैक्टस है, इसमें ना पानी की कम आवश्यकता होती है, ये कम लेते हैं पानी, तो मैं इसका विशेष ध्यान रखूंगी, ये इसको पानी कम दूं। अभी तो डाल देते हैं थोड़ा पानी। अभी डाल देते हैं और इसको रख देते हैं धूप में। ये पाम का पौधा है, ये घर के अंदर बहुत अच्छा लगता है, तो लेकिन सूखे पत्ते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो ये पत्ते निकाल देने चाहिए तुरंत। मैंने निकाल दिया है। और एक ये है इंडोर प्लांट, तो ये भी थोड़ा यहाँ से थोड़ा खराब हो रखा है, तो इसको भी मैं हटा देती हूँ, ये थोड़ा अच्छे नहीं लगते। ये पता है बाहर ये बिल्कुल ऐसे था, ऐसा लंबा हो रहा था, और मैं जैसे ही अंदर लाई इसको कुछ दिन बाद देखिए कितना खिल गया, तो इसको मतलब अच्छा लग रहा है अंदर। बाहर शायद ज़्यादा धूप हो रही थी या ठंड हो रही थी पता नहीं, तो ये सीधा लंबा जा रहा था ऊपर को, और पत्ते भी इसके ऐसे जा रहे थे, और यहाँ पे देखिए कितना ये फैल गया है, तो यहाँ इसको अच्छा लग रहा है अंदर। तो ये पीछे के भी मैं हटा लेती हूँ सूखे पत्ते, ये मैंने हटा दिया ये पत्ता, तो इनको बाहर अच्छा नहीं लग रहा था, और यहाँ पे बहुत ये खुश है। अब देखिए जरा ये कितना अच्छा लग रहा है। पता है दोस्तों, एक मेरी बहुत गंदी आदत है कि मुझसे खाना ना कम नहीं बनता। मैं आपको दिखाती हूँ, फॉर एग्जांपल कल मैंने लौकी के कुछ तो कोफ्ते बना दिए थे बच्चों के लिए, और आज सोच रही थी लौकी चना बना लेते हैं, और हस्बैंड को पसंद है लौकी चना, अच्छा लगता है वैसे, चावल के साथ भी अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, तो मैंने बनाया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा बन गया। और हम खाने वाले कितने, मैं, ये और शानू और हमारा ड्राइवर, तो ड्राइवर भी यहीं खाता है, वो नाश्ता भी यहीं कर लेता है और लंच भी यहीं करता है, कभी जैसा मतलब टाइमिंग होता है तो उस हिसाब से, लेकिन हम उसको बाहर नहीं खाने देते, यहीं खाता है, वो भी हमारे एक परिवार का एक सदस्य के रूप में है, बहुत अच्छा लड़का है। वैसे हम सारे ड्राइवर, वो चाहे कोई भी हो, जितने भी हमारे ड्राइवर आए हैं आज तक, हमने उन्हें बाहर का नहीं समझा, पर ये बिल्कुल अलग है, ये बच्चों को बहुत प्यार करता है, और आपको तो पता ही है माँ को सबसे अच्छे वही लगते हैं जो उनके बच्चों को प्यार करते हैं, तो ये बच्चों को बहुत चाहता है, और इस वजह से वो मेरा भी लाडला है हमारा ड्राइवर मेरा भी लाडला है। तो मैं आपको सब्जी दिखा रही थी, सब्जी दिखाती हूँ, देख के कितनी सारी बन गई। ये देखिए दोस्तों, पूरा कुकर बना दी है मैंने सब्जी, अभी पूरी पकी नहीं है, शायद मुझे और सीटियां लगानी पड़ेगी। तो शाम के बज गए हैं 5,
मैं आज सो गई थी, मौसम ख़राब था इस वजह से। तो मैं दिखाती हूँ आज मौसम कितना ख़राब है। तो ये देखिए कितना ख़राब ख़तरनाक मौसम हो रखा है, बारिश का सा। तो इतना बढ़िया मौसम था तो मेरे को नींद आ गई और मैं सो गई। तो ऐसे मौसम के बीच में जब मैं उठी तो मुझे लगी ठंड, मैंने बना ली चाय और चाय के साथ कर रही हूँ अब लंच। तो लौकी चना की सब्जी को मैंने हैंड ब्लेंडर कर दिया था, तो ये जब इस तरह से कड़ी टाइप की बन गई तो बच्चों ने भी खा ली और चावल भी खा रखे थे, बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने खा रखा था। तो ये देखिए अब मैं भी खा लेती हूँ लंच शाम के 5 बजे। तो लंच करने के बाद ये मलाई मैंने सुबह से बाहर निकाल रखी थी तो मैंने बना लिया इसका मक्खन। ये देखिए ये इसका पानी है, तो मैं सोच रही हूँ पनीर बना लूँ, या तो इसको फाड़ लूँ या फिर या तो दही जमा दूँगी, क्योंकि पनीर घर में बहुत पड़ा हुआ है ऑलरेडी, 3 किलो ये ले आए थे। तो अब ये देखिए मैंने सियाप्पा मेरा कि जो वो पतीली है ना जिसमें मैंने ये मक्खन बनाया है, उसको मैं मक्खन निकाल रही थी, तो देखिए मैंने अंगूठा भी काट दिया उसका। जो ये किनारी है बहुत ही ज़्यादा शार्प है तो इससे मेरी अंगूठा कट गया। बहुत ख़तरनाक पतीली है ये, इस पे मेरा पहले भी कटा हुआ है लेकिन वो याद ही नहीं रहता मुझे हर बार, और हर बार कई बार कट गया इससे हाथ। तो मैंने सब्जी बना दी है, सब्जी है आज भिंडी की, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है भिंडी की सब्जी बना दी। अब गूंद देती हूँ आटा। आटा गूंदने के लिए जो मैंने सुबह आपको बताया था ना लौकी की सब्जी बनाई थी, तो देखिए आज मैंने इन लोगों के लिए खाना बना रखा था तो आज ये लोग आए नहीं, हस्बैंड और ड्राइवर हमारा बिल्कुल बेटे जैसा है, बेटे से भी बढ़ के है वो, बहुत मेरी हेल्प करता है, बहुत आगे पीछे जैसे बच्चा नहीं घूमता अपने माँ के, तो ऐसे घूमता है वो। तो उसका खाना यहीं बनता है, तो आज लगता है इन्होंने बाहर ही खा लिया जबकि है लोकल में ही आज। तो ये देखिए ये पानी निकल रहा है, तो मैं इसका पानी का इसी से आटा गूंदूंगी आज यही खिलाऊंगी मैं इन लोगों को। तो ये इसमें थोड़े से ये बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो ये आटे में दिक्कत करेंगे, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मैं छान रही हूँ। ते हैं हम, ये देखिए इतना पानी आ गया, तो कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बोला था कि मैंने मक्खन बनाया था, तो मक्खन से ये घी बनाया है, थोड़ा सा कन्नू के नाम का रख दिया है, हालांकि नाम कन्नू का होता है, खाते पीते हम ही हैं, लेकिन वही है कि उनके नाम का रख देते हैं तो रख देते हैं, थोड़ा मक्खन उनके नाम का रख दिया है। ये घी कितना सारा बना है, इतना सा, मुझे बहुत अच्छा लगता है थोड़ा 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 करके कोई भी चीज़ समेटना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये गुण मैंने अपनी सास से सीखे हैं, हमारी सास भी थोड़ा ऐसे ही थी, हर चीज़ को बचा बचा के कोई भी चीज़, तो मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा है, अपने बड़ों से तो सीखने को ही मिलता है और सीखना भी चाहिए क्योंकि हमेशा बचत बाद में काम आती है, तो काफ़ी कुछ उनसे सीखा है। तो हम बाज़ार का घी भी बहुत लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ घी बहुत लगता है, घी के बगैर हम खाना नहीं खा पाते, तो लेकिन अपनी बनाई हुई चीज़ की बात ही कुछ और होती है। तो चलिए तो अब गूंद लेते हैं आटा, तो आटे में मैं यही डालूंगी। तो लो जी आटा गूंद दिया है, थोड़ा गीला हो गया पर चलो कोई बात नहीं, मैं गीले से बना लेती हूँ, मुझे टाइट आटे से नहीं बनाई जाती मुझसे रोटी, पर गीले से मैं कर लेती हूँ। तो जिस तरह से मुझे हरियाली, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़ इनसे प्यार है, वैसे ही मैं हरी सब्जी या हरा धनिया देख के ना मेरा लालच आ जाता है। तो आज छुरा देखो मेरे पास, छुरा कितना बड़ा ले रखा है क्योंकि मेरा फेवरेट चाकू अभी मिल नहीं रहा है, आपने देखा होगा मैं एक ही चाकू का यूज़ करती हूँ जबकि मेरे पास पता नहीं कितने चाकू हैं, पर यूज़ मैं उसी चाकू को करती हूँ, तो वो अभी मिल नहीं रहा है, पता नहीं मैंने बास्केट में होगा तो ले हुए बर्तनों के साथ। आप सोच होंगे भिंडी की सब्जी है और ये धनिया काट रही है, तो अभी मैं बताती हूँ मैं धनिया क्यों काट रही हूँ। तो ऐसी रोटी बनानी तो सबको ही आती होगी,
भजा कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने धनिया काटा है, थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं ऐसे। मैं बचपन में ना ऐसे ही काम किया करती थी, बच्चों के लिए ऐसे ही इस तरह से बनाया करती थी। अरे मैं घी लगाना बातों में देखिए घी लगाना भूल गई, अंदर की तरफ नहीं लगाया, पहले मुझे घी लगाना था। चलो अब ऐसे ही रख देते हैं, कोई नहीं। और मैं बता रही थी कि बचपन में मैं ऐसे ही किया करती थी बच्चों के साथ, और बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स किसी ना किसी रूप में मैं ज़रूर खिलाती थी, तो इस तरह से वो भी खुश रहते थे और मैं तो खैर खुश से गप्पू हो जाती थी अगर वो खा लेते थे तो। और सामने मेरे घर के एक अंकल रहते थे, बहुत दादा दादा बोलते थे, तो वो बहुत प्यार करते थे मेरे बच्चों को, तो अपने साथ ले जा लेते थे। उनके यहाँ झूला था, तो उनकी कोठी थी काफ़ी बड़ी, तो कहते थे संगीता परेशान मत हुआ कर, इनको मेरे पास भेज दिया कर। जैसे ही उनको लगता था संगीता परेशान हो गई, जबकि मेरे बच्चे परेशान नहीं करते थे, लेकिन मेरे यहाँ मेहमानदारी बहुत थी, तो बहुत ज़्यादा मेहमान आते थे, तो मैं थोड़ा अपसेट हो जाती थी। तो वो कहते थे परेशान मत हुआ करो, जब परेशान होती है मेरे पास भेज दिया कर बच्चे, तो अंकल खुद ही आ जाया करते थे और बेचारे बच्चों को ले जा लिया करते थे अपने साथ। अपने वहाँ पे गार्डन था काफ़ी बड़ा, तो वहाँ ले जा लिया करते थे। तो ये ट्राइंगल भी बहुत पसंद करते थे बच्चे, ट्रायंगल शेप का भी पराठा। तो आज फिर मैं बना रही हूँ, कहीं बच्चे अब ये ना बोलें कि मम्मी अब रोज रोज क्या हो रहा है ये पराठे का, रोज पराठे ही बनाओगी क्या अब। तो चलो आज बना देते हैं फिर सिंपल खाना, देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। कल बहुत मुझे दुख हो रहा था कि काश मैंने दो दो पराठे मोटे बना रखे थे, लच्छा पराठा, तो लेकिन बच्चों को बहुत तेज़ होगी भूख, तो उन्होंने कहा मम्मी प्लीज़ चार तो बना देते, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा मैं फिर से कर देती हूँ, गूंद देती हूँ आटा, तो बच्चों को लगा कि नहीं अब मम्मी को फिर से करना पड़ेगा, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई बात नहीं। तो आज मैं पहले ही चाहे मोटे हों चार चार बना के रख दूँगी। ये बन गए हैं पराठे, देखिए पराठे बन गए हैं, सब्जी बनी हुई है, और बच्चों को बुला लेते हैं अब खा लेंगे खाना। तो खाना वाना बनाने के बाद कभी कभी मैं इस तरह से कर लेती हूँ। ये मेरा स्लिप साफ करने वाला कपड़ा है, तो मैं इस स्लिप साफ करने वाले कपड़े को गर्म पानी में डाल के और इसमें सर्फ वगैरह से धो के मैंने चिमनी साफ़ कर ली है। और अब मैं ये अलमीरा का जो ऊपरी भाग है, ऊपर के पलड़े, ये साफ़ कर देती हूँ। तो कभी मैं कुछ ले लेती हूँ, कभी कुछ ले लेती हूँ, कभी थकी हुई होती हूँ तो छोड़ देती हूँ, वरना मैं रात को इस तरह से कभी कुछ ले लिया कभी कुछ ले लिया, तो थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करती रहती हूँ, ऐसे करके बर्डन भी नहीं पड़ता। तो ये मैंने ये नीचे वाली छोटी सी एक स्लिप टाइप की बना रखी है, तो उसको ले लिया और उसे साफ़ ढंग से डीपली साफ़ करके, और वो डब्बे जो हैं उनको भी मैं ऊपर ऊपर से साफ़ कर लेती हूँ। जैसे जैसे खाली होते रहते हैं डब्बे, तो मैं धोती रहती हूँ ब्रश वगैरह से, जो टूथपेस्ट टूथ
ब्रश होता है उसके उससे बारीकी से साफ़ हो जाते हैं, तो कभी जब खाली हो जाते हैं डब्बे तो उस तरह से साफ़ कर लेती हूँ, वरना इस तरह से बाहर बाहर से साफ़ करके रखती रहती हूँ, तो इस तरह से साफ़ सफाई भी हो जाती है और मैं थकी भी नहीं होती, एक साथ नहीं पड़ता ना बर्डन, तो इस तरह से मैंने ये अलमीरा साफ कर ली। तो मैं इसी तरह से करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, तो ज़्यादा मुझे भी बर्डन नहीं पड़ता और मेरा ये वाला कपड़ा भी साफ रहता है। थोड़े थोड़े करके मैं थोड़ा थोड़े कोई सी भी अलमारी ले लेती हूँ, फिर मुझे जैसे जैसे डब्बे खाली होते रहते हैं वैसे धुलते भी रहते हैं, तो मैं डब्बा धो देती हूँ ढंग से ब्रश से साफ कर करके, ब्रश होता है ना जो टीथ वाला साफ करने वाला, तो उससे बारीक बारीक जगह से भी साफ सफाई हो जाती है, तो इस तरह से मैं बहुत अच्छे से डब्बे साफ करके फिर लगा देती हूँ, तो इस तरह से बर्डन भी नहीं पड़ता मुझे ना, तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ सफाई। तो मिलते हैं कल नया दिन नई शुरुआत और नई वीडियो के साथ। नमस्कार।